प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबर है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ताजा डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में पिछले साल के मुकाबले निजी क्षेत्र में 7 लाख नौकरियां घट गई हैं, जो बीते 5 साल में नौकरियों में सबसे बड़ी गिरावट है। कोरोना काल के समय यानी 2020-21 में भी नौकरियों में सालाना आधार पर सिर्फ 1 लाख की गिरावट आई थी। खास बात यह है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा ज्यादा नौकरियां देने वाले राज्य हैं, लेकिन इन राज्यों में भी नौकरियों में गिरावट दर्ज की गई। ईपीएफओ के ताजा पेरोल डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा करीब 5,84,000 नौकरियां महाराष्ट्र में कम हुई, तो वही कर्नाटक में करीब 5,39,000 नौकरियां घट गई, जबकि हरियाणा में 9.47% नौकरी घटी है। ये कमी मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा हुई। नौकरियों में गिरावट सिर्फ निचले स्तर पर ही नहीं, मध्य और उच्च स्तर के जॉब भी 2023-24 में पिछले साल के मुकाबले 25% घटे हैं। बताया गया कि कोविड के बाद कंपनियों ने अपनी क्षमता से ज्यादा नौकरियां दी थी और वे पुराने कर्मचारियों के रिटायरमेंट या जॉब छोड़ने की जगह नई नौकरियां नहीं निकाल रही। हालांकि दावा किया गया कि नई सरकार बनने के बाद नई हायरिंग भी बढ़ी है और इससे लगता है कि 2024-25 में फिर से नौकरियों में इजाफा होगा।